तो यहाँ पे इन सबका जब हम एक्स कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास थीटा है, तो एक्स कंपोनेंट में कॉस थीटा लग जाएगा, वाई वाले में साइन थीटा। तो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालू एक्स डायरेक्शन वाली आर एक्स, तो वो हमारे पास आती जाएगी जैसे 20 cos 30। cos 30 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, फिर 20 cos 30 लिखा मैंने, फिर मैं लिख देती हूँ 40 cos 120, फिर हम लिख सकते हैं 25 cos 180 एंड 42 cos 270 प्लस 12 cos 315। अच्छा, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2 अंडर रूट 3/2। cos 120 की कैसे निकाल सकते हैं? पाई माइनस करके 180 माइनस 60 120 होता है, मैम। वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो नेगेटिव cos हो जाएगा माइनस cos 60। समझ आ रहा है सबको? मैम और cos 180 क्या होता है? -1 -1 होता है। cos 270 क्या होता है? 0 जीरो हो3 जाता है। जीरो हो जाता है। और cos 315 कैसे निकाल सकते हैं?360 -45 राइट, 315 के पास देखो हमारे पास 360 है, तो अगर मैं जैसे ही 360 में से 45 माइनस करूंगी तो वो आइडेंटिटी लग जाएगी फिर से। cos 360 माइनस थीटा क्या होता है? ठीक cos थीटा, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है और सप्लीमेंट्री एंगल है थीटा, तो हमें cos थीटा मिल जाता है। ये क्लियर है सबको? ऐसे ही हमारे पास सारे x के कंपोनेंट आ गए। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे y वाले निकाल सकते हैं, साइन 30, साइन 120, साइन 180, साइन 270 और साइन 315 को लेके। अब अगर हमारे पास दोनों आ गए तो अगर मेरे को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना कि टोटल कितना हुआ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर, मैंने स्क्वेयर लिया और अंडर रूट ले लिया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। दोनों चीजें करने की जरूरत नहीं है कि एंगल भी निकालो डिस्प्लेसमेंट भी। यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग है, तो अगर आप एक चीज निकालोगे वो काफी है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो या एंगल, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकती थी। अब क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सबको? जब हम वाई वाला कंपोनेंट निकालेंगे सेम इक्वेशन बन जाएगी, बस सबके साथ कॉस और वो वाली टर्म्स आ जाएंगे। मैं एक बार ना वो भी आप लोग को यहाँ पे कन्वर्जन बता देती हूँ। कॉस 120 के लिए आप लिख सकते हो कॉस 180 माइनस 60, ये हो जाएगा माइनस कॉस 60। फिर कॉस 180 तो जीरो माइनस वन है, कॉस 270 जीरो है। कॉस 315 को हम लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 45, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव कॉस 45। इसकी वैल्यू हो गई जीरो, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब हो जाएगा सबसे क्वेश्चन ये यस ओके। फिर आप लोगों ने डाउट पूछा था 15th वाला, जिसमें हमारे पास फोर्स बोला हुआ था चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, और मोमेंटम दो चीजों से बनता है, मास और वेलोसिटी, और यहाँ पे दोनों ही टाइम के साथ बदल रही थी, तो हमें बताना था फोर्स क्या होगा। तो अगर मैं फोर्स लिखूं तो वो होता है चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। अब क्योंकि दोनों चीजें बदल रही हैं तो एक बार मास का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और एक बार वेलोसिटी का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। mdv/dt प्लस vdm/dt। किसी को डाउट है इसमें? यहां तक किसी को डाउट है? अभी आगे सॉल्व करूंगी। नो बोलो कुनार, मैम गलती से क्या बोल रहे हो?
देखो यहाँ पे मास और वेलोसिटी से मोमेंटम बन रहा है और दोनों बदल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो रॉकेट है वो कुछ मास लूज करता जा रहा है और वेलोसिटी गेन करता जा रहा है, मतलब दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है। तो जब दो वेरिएबल होते हैं और डेरिवेटिव निकालना होता है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं डेरिवेटिव का। एक बार एक चीज को कांस्टेंट रखा दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को कांस्टेंट रखा तो पहले वाले का डेरिवेटिव। क्लियर है कुणाल यहाँ तक? ठीक Okay. अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी दे रखी है 10 t³, तो अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो 2000 upon t+5, और 10 t³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? है, 30 के है। t³ का 3t² और 10 से मल्टीप्लाई होके 30t². अब सेकेंड टर्म में हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब 10 t³ एज इट इज, और 2000 upon x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2000 upon t+5 का डेरिवेटिव क्या होगा? चलो उसको समझते हैं। तो जब हम ऐसी चीज का डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है टू, यही टर्म ले रही हूँ, t+5। अब जब हमारे पास कोई नॉर्मल टर्म होती थी डिनोमिनेटर में, जैसे 2000 upon x, तो x की पावर -1 करके डेरिवेटिव करते थे। यस मैम। अब यहाँ पे x नहीं है, ठीक t+5 है, तो अगर हम चेन रूल भी लगाएंगे t+5 की पावर -1 है, तो हमारे पास पावर सामने आ जाती है और एक पावर डिक्रीज हो जाती है, तो -1 का -2 बच गया, मतलब t+5 की पावर डिनोमिनेटर में 2, और साथ में इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं जो भी चेंज होता है। अब t+5 का डेरिवेटिव क्या होगा? और कोई बता सकता है t+5 का डेरिवेटिव क्या होगा? वन हो जाएगा। करेक्ट, तो इसके साथ सिर्फ 1 रह जाएगा और अल्टीमेटली बस यही टर्म रह जाएगी। ये समझ आया सबको? यस तो यहाँ पे जब हम चेंज ऑफ मास विद टाइम लिखेंगे तो हम बस लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी -2000 upon t+5 का होल स्क्वायर। और बस फिर हमें बोला गया था कि हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब टाइम की वैल्यू 20 सेकेंड है, तो इसमें बस टाइम पुट करना था। अब हो जाएगा सबसे क्वेश्चन। यस मैम। इसके अलावा आप लोगों ने 19th डाउट पूछा था, तो यहाँ पे बोला था दो वेक्टर्स हैं, उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, हमें बताना था क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। तो हमारे पास गिवन है कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल ए का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे 2 और बी का मैग्नीट्यूड है 3, और जो रिजल्टेंट बन रहा है आर उसकी वैल्यू 1 है, तो रिजल्टेंट मतलब a² + b² + 2ab cos θ। अब a² जैसे क्या 2 का स्क्वायर 4, b² जैसे क्या 3 का स्क्वायर 9, और ए बी से आया 6 और एक और 2 मल्टीप्लाई तो 12 cos θ। इसमें किसी को कोई डाउट है जो मैंने लिखा? नो और मैम। इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। अब अगर दोनों साइड स्क्वायर करूं तो राइट साइड तो 1 ही है, तो मैं डायरेक्टली इस रूट को हटा देती हूँ। अब जैसे ही इस रूट को हटाया तो ये 4 + 9 को मैं ऐड कर सकती हूँ, 13 + 12 cos θ = 1। यहाँ से 12 cos θ की वैल्यू आ गई -12, और cos θ कितना आ गया? -1 -1। ये कौन से एंगल पे होती है वैल्यू? 180 180। करेक्ट। 180 अब उसने बोला था क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने को, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है क्या फाइंड करना है? ए साइन बी साइन थीटा। साइन 180 क्या होता है? जीरो। जीरो होता है, तो इसके आंसर हमें क्या मिल गया? जीरो मिल गया, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना था। समझ आया सबको? यस मैम। आई थिंक यही डाउट था आप लोगों के।
एक सेकेंड दे दो, मैं दूसरी स्लाइड ओपन कर लेती हूँ। अब मेरे को जब तक मैं ओपन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला था सबको याद करके आने को, रेंज का फॉर्मूला कौन बताएगा? रैंडमली मत बोलना, एड्रेस कर दो। बोलो सरिता। सरिता क्या मैम, यू बोलना है? कॉस थीटा इंटू 2 u sin थीटा बाई जी। u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी। अच्छा ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था? मैम टू यू यू वन स्क्वायर यू कॉस टू थीटा बाई जी। रुक जाओ, ठीक है वो आपका फॉर्मूला। अच्छा और कोई बताएगा दूसरा फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। करेक्ट, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब ना सौरभ आंसर करेगा ना सरिता, टाइम ऑफ लाइट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 u sin थीटा अपॉन जी। 2u sin थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट का? हम u² sin² थीटा अपॉन 2 g। ठीक है, अब सूरज भी आंसर नहीं करेगा। मेरे को बताओ रेंज कौन से एंगल पे मैक्सिमम होती है? 45 करेक्ट, ठीक है, इतना सबको पता है तो वेरी गुड। अब हमने कल आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करना है, क्रिकेटर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला है अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासिस ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट, अज्यूम द बॉल इज स्ट्रक वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। एक क्रिकेटर है, उसने बॉल को मारा, कितनी वेलोसिटी है? 25 से, और एंगल बना रही है 60 डिग्री ग्राउंड के साथ। अब हमें बताना है कि कितना ऊपर जो था वो बॉल गई जब फील्डर 50 मीटर पे था। तो पहले तो ये बताओ ये हाइट मैक्सिमम हाइट होगी या नहीं होगी? अपने आप गेस करके बताओ कि आपको क्या लग रहा है, मैक्सिमम हाइट होगी या नहीं होगी? होगी ये नहीं होगी, करेक्ट। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बोला है वो मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन का मतलब है जब उसने बॉल को हिट करा तो कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस था, जब जहां से हिट करा वहां से 50 मीटर जब उसने डिस्टेंस लिया, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे उसने यहाँ पे एक फील्डर खड़ा था, मतलब बॉल कैच करने के लिए खड़ा था, और यहाँ पे हमें बताना है कि बॉल कितनी ऊपर गई। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। मतलब जब एक्स की वैल्यू 50 है तब हमें वाई की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं आप लोगों से, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 25, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 25 cos 60 degree। करेक्ट, 25 cos 60 डिग्री। और यहाँ पे इसी तरीके से वर्टिकल वाली हो जाएगी 25 sin 60 डिग्री। अब अगर मेरे को यहाँ पे हाइट बतानी है तो हाइट के लिए तो इक्वेशन वाई वाली यूज करेंगे, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वेर। अब ये टी क्या है? वो टाइम है जब वो बॉडी 50 मीटर पार कर चुकी थी हॉरिजॉन्टली। तो अगर हम टाइम निकालना चाहें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाले केस में। इसमें मैम एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू थी? जीरो। 0 थी, जी करेक्ट। यू की वैल्यू थी हमारे पास यू कॉस थीटा, और हमें किस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टाइम चाहिए जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो? हमें कहाँ तक का टाइम चाहिए जब हॉरिजॉन्टली कितना रास्ता पार कर रखा हो बॉल ने? 50। 15, करेक्ट, कि 50 मीटर वो हॉरिजॉन्टली पार कर गई थी, वहां तक का टाइम चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 50 हो गई। तो
यू की वैल्यू हमारे पास है 25, थीटा की वैल्यू है कॉस, थीटा की वैल्यू 60, तो कॉस 60 हो जाएगा। टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करो सब लोग। टू सेकंड्स तो नहीं आएगा सरिता, 10 सेकंड है ना, 10 भी नहीं आएगा, 4 सेकंड, 4 सेकंड आएगा। 2 तो डायरेक्टली इससे ही आ रहा है, 25 और 50 से 2 आ गया। फिर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो t कितना आ गया, 4 सेकंड्स। क्लियर है सबको ये? यस मैम। अब जब हमें हाइट बतानी है तो u y हमारा वही हो गया u sin 60। तो u sin 60 अगर हम निकालेंगे तो 25 √3/2 आएगा। तो इसी इक्वेशन में जो सबसे पहले लिखे थे उसमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं। तो हाइट आएगी हमारे पास 25 sin 60, टाइम हमें गिवन है 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जी की वैल्यू गिवन है 9.8/2, और टाइम का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ से सिर्फ 8 रह गया, और फर्स्ट वाली टर्म से हमारे पास आएगा 50√3 − 9.8 × 8। रूट थ्री की क्या वैल्यू होती है, 1.7, करेक्ट, 1.73 हम यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करके सब लोग कैलकुलेट करो, ये क्या आ रही है हमारे पास हाइट, सारी वैल्यू बोर्ड पे लिखी हुई है, प्लीज सब लोग कैलकुलेट करो। 8.1 आ रही है हमारे पास, सबसे क्लोज आंसर 8.2 है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 8.2। सब क्या आ रही है ये वैल्यू? यस मैम। ओके, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 8.2। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे हम लोग कोई भी पोजीशन अगर बताते थे, x होता था और एक y होता था, दो कोऑर्डिनेट होते थे, x वाली डायरेक्शन के साथ i कैप, y वाली डायरेक्शन के साथ j कैप। ऐसे अगर मैं जो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन थी v = u + at, ये इक्वेशन यूज करूं एक बार x डायरेक्शन के लिए और एक बार y डायरेक्शन के लिए, तो x डायरेक्शन में तो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो गया, तो हमारे पास बचा vx = ux की फाइनल वेलोसिटी देखो x वाली की, तो वो इनिशियल के बराबर हो जाएगी। पर अगर जब हम y की बात कर रहे हैं तो vy, तो इनिशियल थी हमारे पास uy, और एक्सेलरेशन जब y डायरेक्शन की बात करते हैं -gt, तो उससे हमारे पास इक्वेशन आ गई vy = u sin θ − gt। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? मैम, अब जो दो अलग अलग वेलोसिटीज आ गई x डायरेक्शन की और y डायरेक्शन की, एक के साथ i कैप लगा दिया है और दूसरे के साथ j कैप, बस और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे सबसे ऊपर है कि रेंज मैक्सिमम तब होगी जब थीटा हमारे पास क्या है, 45 डिग्री है, और जैसे ही 45 पुट करा तो साइन 2 थीटा की जगह हो गई साइन 90, और हमारे पास रेंज की वैल्यू आ गई u²/g। फिर हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जिनका सम 90 डिग्री है, तो ऐसे एंगल्स पे हमारे पास रेंज की वैल्यू सेम आती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन रेंज इज मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल, जब रेंज मैक्सिमम होगी तो हमारे पास थीटा फिक्स हो गया, उस केस में थीटा 45 है।
अब जैसे ही थीटा 45 फिक्स हुआ तो हाइट के फॉर्मूले में तो साइन थीटा आ रहा था, तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी कंपेयर टू द रेंज। यहाँ पे हमने क्या किया है, बस इसमें वैल्यू पुट करी है, तो साइन स्क्वेयर 45 की जगह हो गया 1/√2 का स्क्वेयर, तो हमारे पास आ गया यू स्क्वेयर बाय 4g। और आप ऊपर देख सकते हो ये क्या थी, हमारी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब आप सबको पता है कि रेंज और हाइट का क्या फॉर्मूला है। अब मेरे को वो कंडीशन बताओ कि जब रेंज और हाइट क्या है, दोनों बराबर है, तो टैन थीटा की क्या वैल्यू आएगी। सब लोग ट्राई करो, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो अगर वो दोनों बराबर हैं तो टैन थीटा कितना आएगा? मैम 45 डिग्री। नहीं, टैन थीटा पूछ रही हूं मैं, एंगल नहीं पूछ रही हूं। अरे सिंपल इक्वेशन में पुट करना है, यू स्क्वेयर एक बार आ गया साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी, राइट साइड में लेंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये क्या है सपने? इसमें तो यहाँ पे हम जैसे ही हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास साइन 2 थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ से साइन से ए की पावर कैंसिल हो गई, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, ये 2 अगर राइट साइड में गया तो हमारे पास करेक्ट सूरज राइट साइड में गया तो 4 हो गया, और लेफ्ट साइड में ये कॉस डिनोमिनेटर में गया तो साइन अपॉन कॉस हो गया टैन थीटा। क्लियर है सबको? यस सर। कि टैन थीटा की वैल्यू 4 आ गई, एक बार सब लोग देख लो, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नहीं भाई, इरेज कर देती हूँ तब नेक्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, वही कि रेंज कैसे आती है, मैं आप लोग को ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास क्या है, 2 एंगल्स हैं और उसपे रेंज सेम है, मतलब साइन 2 थीटा और साइन 2 अल्फा अगर सेम आ रही है, तो ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है जब जो हमारे पास एंगल है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकेंड में हो। तो मैं ट्वाइस है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि अगर मैं 2 थीटा की जगह यहाँ पे ले लूं 180 - 2 थीटा तो भी साइन के साथ सेम ही वैल्यू आती है, और अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं यहाँ पे तो हमारे पास जब हम 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड तो एंगल की वैल्यू आ जाती है 90 - थीटा। क्लियर है सबको ये? यस सर। वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कि अगर सबका सम सेम है 90 डिग्री है तो उनके लिए रेंज सेम होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्लेन इज। एक बॉम्ब गिरा एक फ्लाइट में से, और अब यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ, यहाँ पे बॉम्ब गिरा, अब वो बॉम्ब कैसा, उसकी ट्रैजेक्टरी बतानी है, ट्रैजेक्टरी मतलब उसका पाथ बताना है। तो अब आप सोच के बताओ कि अगर आप किसी ऊंची जगह पे हो या प्लेन में हो और वहां से कोई बॉम्ब गिरता है, कुछ गिरता है, तो आपको नीचे जाते हुए कैसा दिखता है, हाइपरबोला बनता है, पैराबोला बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, पैराबोला बनती है? स्ट्रेट दिखा देते हैं।
करेक्ट, स्पीड दिखाई नहीं, अगर हम नीचे खड़े हैं तो हमें प्रॉपर पैराबोला उसका दिखता है कि वो पैराबोला बन के जा रहा है, कि हमें दिखेगा कि ठीक है वहां से गिरा और वो ऐसे गिर रहा है, पर हम जब ऊपर से देखेंगे ना वो हमें ऐसा ही लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में गया है। जैसे हवा से अगर हम कोई चीज फेंक रहे हैं, हवा चल रही है तो, या फिर अगर आप किसी भी छत से भी कोई चीज फेंकोगे तो आपको जिस एंगल पे जाते हुए दिख रही है आपको ऐसा नहीं लगेगा वो कर्व जा रही है, आपको ऐसे लगेगा वो सीधी जा रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है 3। सबको क्लियर है ये? यस यस मैम। ओके, अब यहाँ पे फिर से आप लोग के लिए एक असाइनमेंट है। द पाथ फॉलोड बाय बॉडी प्रोजेक्टेड इन द एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय दिस। हमारे पास ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन है और जी की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें बतानी है क्या होगी। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें इन द गिवन फिगर एक डायग्राम बना हुआ है और हमें बताना है कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे y बना हुआ है वहां पे y की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है और जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव करवाई थी उसी से हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सिमिलर है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल बेस। Grazing over the vertex, it falls on the other extremity of the base. If alpha and beta are the base angle of the triangle and theta is the projection, prove this. यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसका बेस मतलब हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस जो है, तो बी पॉइंट से मैंने फेंका और यहां से वो इस ऊपर वाले कोने मतलब ए को पार करता हुआ दूसरे वाले बेस की तरफ चला गया सी की तरफ। और अगर मैं दोनों जगह देखू ना बी और सी तो ए वर्टेक्स जो ट्राइंगल का कोना था उसके साथ एंगल अल्फा और बीटा बना रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको? एक बार ट्राई करना, अदरवाइज मैं क्लास में सॉल्व करवाऊंगी कल। अब यहाँ पे समरी आ गई है प्रोजेक्टाइल मोशन की। इन शॉर्ट कि जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होता है, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी होता है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में अगर हम एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वाली इक्वेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन तो जीरो, तो एक्स और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन आ गया। वही y वाली डायरेक्शन की बात करें तो उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन वाली भी टर्म होती है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी अगर हम देखें फाइनल वाली तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी नहीं बदलती है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, पर वर्टिकल वाले में वो बदल जाती है टाइम के साथ और वैल्यू यू साइन थीटा में माइनस जी टी फैक्टर आ जाता है। फिर यहाँ पे टाइम रेंज और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है और अगर हमारे पास जो बाद में कोई एंगल चेंज हो जाए फाई तो उसके लिए जो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं वेलोसिटी के वो वी एक्स और वी वाई बनाए हुए हैं यहाँ पे। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं है इसमें? No, ma'am. अब देखो अभी तक जो हम कर रहे थे ना वो था एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर का मतलब एंगल, कि हम कोई एंगल बना रहे थे हॉरिजॉन्टल के साथ और तब फेंक रहे थे। अब हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या किया इस बॉल को, जैसे एक बार एनिमेशन देखते हैं हम लोग, हमने एक तरीका है उसको बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा, तो ये हमने क्या किया उसे वर्टिकली ड्रॉप करा। अब अगला केस देखते हैं, इसमें हमने बॉल को ऐसे छोड़ा। फिर इससे नेक्स्ट देखते हैं, तीनों मोशन देखे आप लोगों ने? यस मैम। अब अपने हिसाब से बताओ आपको क्या लग रहा है तीनों में क्या फर्क है। अब ये मत बोलना एक में रास्ता ज्यादा एक में रास्ता कम है, कम है और एक है ना, ऐसे बोलोगे एक में रास्ता ज्यादा है। और कोई फर्क दिख रहा है? एंगल का,
एंगल का फर्क दिख रहा है. एंगल किसके साथ बना रहे हैं सरिता यहाँ पे? अच्छा इस वाले में जो फर्स्ट केस है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? सबसे पहले 90. और इन दोनों केस में हम ऐसे फेंक रहे हैं सामने की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएंगे? अगर एक्स डायरेक्शन ये होती है, हम ऐसे ही फेंक रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है? जीरो डिग्री. करेक्ट. यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट उसको हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, पर क्योंकि हम किसी हाइट पे खड़े हैं तो हाइट पे तो हमारे पास जी लगेगा, ग्रेविटी लगेगी, उसी के कारण ग्रेविटी के कारण हम धीरे धीरे नीचे आते रहते हैं, पर स्टार्टिंग में हम लोग हॉरिजॉन्टल में फेंक रहे हैं. ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम. यस मैम. तो हम अब किसी हाइट पे हैं, हम ऊपर एंगल पे नहीं फेंक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सामने की तरफ फेंक रहे हैं. जैसे आपका कोई फ्रेंड है वो सामने खड़ा है, बस ऐसे ऐसे सीधा सीधा बॉल फेंकनी, कैच करनी है, बास्केट नहीं करनी है. यहाँ पे हम बास्केट नहीं कर रहे हैं, हम बस सामने की तरफ पास कर रहे हैं. तो ऐसे प्रोजेक्टाइल को कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जब अलोंग द हॉरिजॉन्टल. अब यहाँ पे जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करें, तो स्टार्टिंग में ये बताओ, अगर मैं हॉरिजॉन्टली फेंक रही हूं तो मैं क्या कोई वर्टिकल वेलोसिटी दे रही हूं? नहीं दे रहे हम वर्टिकल वेलोसिटी. तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें, कि इसमें स्टार्टिंग में वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो सारी की सारी वेलोसिटी है जिससे मैंने फेंका. अगर मैं 30 से फेंक रही हूं तो वो दो पार्ट में ब्रेक नहीं हुई, वो पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल वाली है. अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे भी सेम है, कि जो एक्सेलरेशन है एक्स वाली डायरेक्शन में वो जीरो है और वाई वाली डायरेक्शन में माइनस जी है. ये दोनों पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब इसमें अगर हम लोग क्या करें, टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालें, तो वहां पे तो एक टाइम ऑफ एसेंट होता था और टाइम ऑफ डिसेंट होता था. यहाँ पे कौन से वाला टाइम है? यहाँ पे तो बॉडी बस नीचे ही आ रही है ना, कौन सा टाइम होता है वो नीचे आने वाला? करेक्ट. यहाँ पे सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट ही है और वो ही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है. तो एक बार हम देखते हैं वो कैसे आएगा. तो अगर बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से लेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, तो ऑब्वियसली हमें पता होगा कि हम किसी किसी बिल्डिंग की हाइट पर है, तो हम हाइट को इस बार यूज कर सकते हैं. एंगुलर प्रोजेक्टाइल में वो हाइट बदल जाती थी क्वेश्चन के बीच में, अलग अलग पॉइंट पे हाइट बदल रही थी. तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे मोशन की ओ से लेके यहाँ पे जब बॉडी रेस्ट पे आ गई है नीचे ग्राउंड पे, वहां तक की बात कर रहे हैं, तो उसने वर्टिकली एच डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है और नीचे की तरफ करा है इसलिए माइनस एच. अब इनिशियली वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, तो ये वाली टर्म हमारी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन माइनस जी हुआ. तो यहां से हमारे पास आया एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वेयर और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अंडर रूट 2h/g. ये क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. अब रेंज निकालेंगे तो फिर से वही चीज है कि जब पूरा टाइम पार हुआ तभी हम रेंज बता सकते हैं. तो अगर हम एक्स वाली डायरेक्शन की इक्वेशन यूज करें तो उसमें एक्सेलरेशन वाली टर्म तो गायब हो गई, तो s इक्वल्स टू ux * t बस ये बचता है. और ux हमें पता है यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी u ही है, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस यहाँ पे r हो गया, और t क्या है पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट वो भी हमने कैलकुलेट करा है. यहाँ से रेंज का फॉर्मूला आ गया u * अंडर रूट 2h/g. इसमें किसी को कोई डाउट है? No. Okay. अब यहाँ पे अगर हम बात करें वेलोसिटी की, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी, तो देखो यहाँ पे vp वेलोसिटी है, कोई भी किसी पर्टिकुलर टाइम की है, तो यहाँ पे भी वो कुछ एंगल बना रही होगी जो दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं. अब फिर से वही सेम चीज जो वहां पे थी,
कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है किसी डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलती है. तो हर पॉइंट पे अगर हम बाद में भी देखें ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी टाइम पे तो वो यू ही रहेगी. इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है कि जो फाइनल है वो यू ही रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गया. पर हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है. इनिशियली तो जीरो थी y वाले डायरेक्शन में, पर धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी वैल्यू हो जाती है माइनस जी टी. माइनस इसलिए है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो वेलोसिटी बन गई, यू एक्स वाला कंपोनेंट और माइनस जी टी जे वाला कंपोनेंट या वाई वाला कंपोनेंट. तो अगर मैग्नीट्यूड हमें लेना है तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं. और यहाँ पे जो एक्स वाली वेलोसिटी है पूरे मोशन में यू ही रहेगी, वाई वाली जी टी हो जाएगी. तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है तो वो हो जाएगी. इसमें किसी को कोई डाउट है? अब अगर हम ये निकालना चाहें कि वो कौन सी वेलोसिटी है जिससे वो बॉडी ग्राउंड को हिट कर रही है, मतलब ग्राउंड से टक्कर खा रही है, तो हमें पता है ठीक है कोई भी टाइम हो तो हॉरिजॉन्टल वाले वेलोसिटी तो यू ही रहेगी. हमारा मेन काम है वर्टिकल वाली निकालना. तो वर्टिकल वाली में इनिशियल वेलोसिटी जीरो और जब पूरी हाइट पार कर चुकी है उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम वेलोसिटी देखें तो हमारे पास आएगी माइनस जी, माइनस टू एस होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू. यहाँ पे जी हमारे पास नेगेटिव है और एच भी हमारे पास नेगेटिव हो गया तो उससे हमने वैल्यू आ गई अंडर रूट टू जी एच. अगर आप पहले जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था हमारे पास अंडर रूट टू एच अपॉन जी, इसको भी पुट करोगे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में कि अगर हम पूरे टाइम के लिए कैलकुलेट करें यहाँ पे पुट करोगे तो भी आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी कि अंडर रूट टू जी एच हमारी वो वर्टिकल वेलोसिटी है जिससे बॉडी ग्राउंड को टक्कर मारती है. अब अगर हम टोटल मैग्नीट्यूड निकालें तो उन दोनों को मिलके बनेगा क्यू स्क्वायर प्लस टू जी एच. क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है वो कर लेते हैं. A helicopter is flying horizontally at an altitude. Altitude का मतलब क्या होता है? Height given है 2 km और speed given है 100 meter per second. A packet is dropped from it. The horizontal distance between the point where the packet is dropped and the point where it hits the ground. मतलब sorry, यहाँ पे हमने क्या किया? एक helicopter जा रहा है और वो कितनी हाइट पर है? 2 किलोमीटर हाइट पर है और उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वो है 100 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरफ जा रहा है वो 100 मीटर पर सेकेंड से और अब इसने क्या किया? यहां से एक पैकेट को छोड़ा है. अब हमें बताना है कि वो पैकेट जब छोड़ा और जब वो पैकेट ग्राउंड पे गिरा तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम. तुम्हें हाइट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कौन से वाली डायरेक्शन की है? ये कौन सी डायरेक्शन की है इनिशियल वेलोसिटी? करेक्ट, हॉरिजॉन्टली है. ये देखा करो, बना लिया करो एक्स और वाई जो जिसके पैरेलल है उस वाली डायरेक्शन की, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाली है. अब इनिशियल वेलोसिटी एक्स की मान लो वो यू के बराबर है, वो है 100. हमारे पास जो हाइट गिवन है वो है 2 किलोमीटर. अब अगर हम निकालना चाह रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ये तो पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट का था, करेक्ट. और हमें पता है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमें चाहिए यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? हमें हाइट गिवन है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टी इक्वल्स टू अंडर रूट टू एच बाय जी. ये समझ आ रहा है क्या सबको?
यस मैम। जी की वैल्यू 10 है, टू की वैल्यू, एच की वैल्यू 2 है, कितना आ जाएगा टाइम ऑफ लाइट? ये ध्यान रखना, जी की वैल्यू मीटर में है, हाइट किलोमीटर में है। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हजार। हजार होते हैं। निकालो मैम। 20। करेक्ट, 20 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जब आप जैसे यहाँ पे हाइट को 2 किलोमीटर की जगह 2000 करोगे तो 10 डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, अंडर रूट 400 आ जाएगा, और वहां से हमारे पास आ गया 20। तो रेंज कितनी आएगी? ux हमें पता है 100 है, टाइम हमारे पास 20 आ गया। इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई बता सकता है कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? इसकी क्या यूनिट आ रही है इस रेंज की? सी वाला। सी वाला, सरिता सी कैसे होएगा? फर्स्ट। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये मीटर में है, इस मीटर से आप किलोमीटर बनाओगे तो 2 किलोमीटर आ जाएगा। सबको क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। जब भी टॉप ऑफ द टावर हो तो आपको जरूरी नहीं है कि इतनी हाइट पे तो एंगुलर नहीं हो सकता, हो सकता है वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के ऐसे किसी एंगल पे फेंक रहा है, तो आपको ढूंढना है कि एंगल तो नहीं गिवन है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब है एंगल नहीं है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग इट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद इनिशियल वेलोसिटी 18, इफ इट हिट्स द ग्राउंड एट एंगल 45 डिग्री, व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि एक हाइट से हमने थ्रो किया और ये मेरे पास ग्राउंड है, और जब उसने ग्राउंड को हिट करा तो जो वेलोसिटी है वो एंगल 45 डिग्री बना रही है ग्राउंड के साथ, ये एक्स डायरेक्शन और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको इतना? Yes. अब स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है u, ये गिवन है क्वेश्चन में, आई थिंक 18, हाँ 18 गिवन है। हमें बताना है कितनी वर्टिकल वेलोसिटी होगी जब ये बॉडी नीचे गिर रही थी, तो कैसे निकाल सकते हैं? कोई बता सकता है? अच्छा ये बताओ, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v से टक्कर खाई है उसने, तो इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? एंगल गिवन है, v गिवन है, v cos 45 डिग्री। करेक्ट, v cos 45 डिग्री। पर क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू चेंज होती है वेलोसिटी में? No. नहीं, मतलब इसकी वैल्यू 18 के बराबर है। Yes, ma'am. तो v की वैल्यू क्या आएगी? v इंटू 1/√2 इक्वल्स टू 18, तो v की वैल्यू आ गई 18√2, है ना? अब अगर मेरे को वर्टिकल वाला कंपोनेंट बताना है तो मतलब क्या होगा? v sin 45 डिग्री, 45। अब आप इसमें पुट करके देखो क्या आ रही है वैल्यू, सब लोग कैलकुलेट करो। सेम आ रही है, सेम मतलब 18 मीटर पर सेकेंड। जैसे हम 18/√2 को sin 45 मतलब 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, हमें आंसर मिल जाएगा 18। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अब यहाँ पे है केस टू, प्रोजेक्शन एट एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल, वही मैं जो कह रही थी,
कि अगर हम कोई हाइट पे तो चढ़े हुए हैं पर उसके ऊपर किसी एंगल से थ्रो कर रहे हैं, तो एंगल से थ्रो कर रहे हैं तो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी के दो पीसेस करने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। हॉरिजॉन्टल वाला हो गया हमारा यू कॉस थीटा, वर्टिकल वाला यू साइन थीटा। इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वाले की क्या वैल्यू होगी जो मैंने मार्क करा है, कोई बता सकता है? यहाँ पे मैंने सर्कल करा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी? सेम ही रहेगी, कॉस थीटा ही होगी, वो नहीं बदलेगी चाहे कैसे भी फेंक लो। अगर वो क्वेश्चन में अलग से बोल रहा है एक्सेलरेशन मिल रहा है हॉरिजॉन्टली तभी बदलेगी, अदरवाइज वो सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे आप मेरे को सोच के बता सकते हो कि मान लेते हैं वो बॉडी कुछ डिस्टेंस ऊपर गई और फिर नीचे आ रही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में नहीं वर्टिकल। कोई गेस कर सकता है यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? यही सेम पाथ हमने डिस्कस करा हुआ है पहले मोशन इन वन डी में भी। यहां से हमने बॉडी को थ्रो किया, ऊपर गई फिर वापस आ गई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल? अच्छा मान लेते हैं 5 मीटर ऊपर गई है, ये 5 मीटर ऊपर गई, अब कितना होगा? माइनस एच ही होगा, क्योंकि 5 मीटर ऊपर गई तो 5 मीटर नीचे भी तो आई है, वो तो कैंसिल ही होगा। क्या बचा? बस ये हाइट बची, वो भी नीचे की तरफ है इसलिए माइनस एच। ये क्लियर है सबको? तो अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहें तो हमारे पास फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं, सिक्वेंस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा वो किया माइनस एच, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन आएगा। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास आ गई हाइट माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा टाइम, और एक्सेलरेशन फिर से माइनस जी। अगर हम फिर से अगर हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन में जो हमारे पास था R equals to ux into t plus half a t square. Time of light के लिए निकालेंगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये वाला रिलेशन अभी भी सेम है, R equals to ux into capital T या फिर u cos theta into capital time, time of light. Clear है ये? Yes ma'am. Okay. अब इसी में एक और कुछ देखते हैं, और कौन सा केस बन सकता है? Projection एट एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल। एक है कि आपने ऊंची बॉल फेंकनी, एक यार आपने नीचे टप्पा खुलवाना है, तो आपने नीचे फेंकने के लिए नीचे कोई एंगल बनाया थीटा। तो इस केस में भी क्या हुआ, हमारे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अगर हम तोड़े तो वो तो अभी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, पर वाई वाला स्टार्टिंग से ही नीचे की तरफ हो गया, तो जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वो हम माइनस लेंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब जब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की तो यहाँ पे फिर से एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वाई डायरेक्शन में माइनस जी हो गया। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से अगर यूज करते हैं तो ये पूरी हाइट नीचे की तरफ वो ट्रेवल कर रहा है तो माइनस एच, माइनस एच इक्वल्स टू माइनस यू साइन थीटा जो इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टू टाइम का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला कहीं नहीं बदल रहा है, चाहे किसी भी केस में ले लो हमारे पास सेम ही वैल्यू आ रही है हॉरिजॉन्टल रेंज की। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, एज शोन इन द फिगर अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड From the top of a cliff 80 meter high, कि हमने 80 meter ऊपर से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है और ये velocity कौन से direction में है? Horizontal वाले direction में है। और अब हमें बताना है how long will it take for the projectile to strike the level
ground at the base of the cliff. How far from the foot of the cliff will it strike and with what velocity will it strike? तीन चीजें बतानी है कि एक तो कितना टाइम लगेगा कि ये वापस से प्रोजेक्टाइल ग्राउंड में आए, दूसरा ये जो प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड में टक्कर मार रहा है और जहां से हमने फेंका, इन दोनों में हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस है, तीसरा वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड में टक्कर मार रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। तो हमें जो टाइम निकालना है पहले केस में, वो कौन सा टाइम निकालना है? नॉर्मल टाइम है या टाइम ऑफ फ्लाइट है? क्वेश्चन मतलब ये हमें बताना है वो टाइम जब वो ग्राउंड को हिट करेगा उसमें कितना टाइम लगेगा, तो नॉर्मल टाइम है या टाइम ऑफ फ्लाइट है? टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्योंकि जैसे उसने ग्राउंड को हिट करा मतलब उसका पूरा मोशन कंप्लीट हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, अंडर रूट 2h बाय g। तो कैलकुलेट करो सब लोग कितना आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे g की वैल्यू मेंशन नहीं है, आप 10 ले सकते हो। हाइट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 80 मीटर। Four seconds. आ रही है सबकी। टू इंटू 80 करोगे और डिनोमिनेटर में 10 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 16 आएगा, 4। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस में पूछा हुआ है हाउ फार इज द फुट, मतलब ये डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज बोलते हैं, करेक्ट। तो रेंज, और इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है यहाँ पे एक्स वाली? 330। और टाइम हमें पता है फ्लाइट वाला 4 सेकंड हो गया। तो सब लोग निकालो रेंज कितनी हो जाएगी। 1320। करेक्ट, बस 330 को 4 से मल्टीप्लाई करना था तो 1320 आ गई। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे बताना है कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी। तो जब हम वेलोसिटी बताएंगे तो उसके दो पार्ट हैं, एक है एक्स वाला और एक वाई वाला है। एक्स वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स वाली वेलोसिटी? यू कॉस थीटा तो होगी, पर क्या वो बदलती है कभी? स्टार्टिंग में कितनी गिवन है वेलोसिटी? जीरो। एक्स डायरेक्शन में थ्री हंड्रेड थर्टी है, करेक्ट। ये हमारे पास जो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है सिर्फ एक्स में हमने थ्रो किया था तो 330 है। बोलो निक्षय। अब y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए तो gt यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। और एक्सेलरेशन इनटू टाइम करूंगी तो कितनी आएगी वेलोसिटी y डायरेक्शन में? 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब दो वेलोसिटी आ गई, एक्स वाली भी और वाई वाली भी। रिजल्टेंट कैसे बताते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं तो किसी चीज के रिजल्टेंट कैसे बताते हैं? स्क्वायर कर रूट करके। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 330 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, 40 का स्क्वायर तो आप डायरेक्टली कर लोगे 1600, 330 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, देखो अंडर रूट में बताना क्या वैल्यू आ रही है।
और कल कोई टेस्ट वगैरह है क्या स्कूल में? आज काफी कम स्ट्रेंथ है क्लास की। वन जीरो एट नाइन 1089, ये 330 का स्क्वायर तो नहीं है। हाँ, जीरो 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 दो जीरो पीछे लगी। अच्छा, इसमें अगर हम 1600 ऐड करेंगे तो हमारे पास टर्म आएगी 0051011055000। यही आ रही है सबकी वैल्यू। यस मैम। अब देखो, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो तुक्का मारना सिखाते हो। अब स्क्वायर रूट में कैसे करते हैं, पहले ये दो जीरो लगे हुए हैं तो इन दो जीरो का हम अलग अलग कर सकते हैं कि एक इस वाले टर्म के साथ चला गया, एक उस वाली टर्म के साथ। ये क्लियर है सबको? यस ठीक है। अब इतना क्लियर है तो 33 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो वो आएगा 1089। ये भी क्लियर है? ये जो टर्म आ रही है कितनी आ रही है? 1100। तो 1090 और 1100 में ज्यादा फर्क है क्या? थ्री थर्टी के आसपास ही है इसकी वैल्यू। कि हमारे पास 33 के स्क्वायर आ गया था ऑलरेडी, कि ये 33 के स्क्वायर से कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, कि मान लेते हैं एक ज्यादा है फॉर एग्जांपल, और एक जीरो इन दो टर्म में से आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? तुक्का कैसे मैं लगवा रही हूं मैं? रुको, मैं थोड़ा ढंग से बताती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे बताती हूँ, मेरे पास है 1089001100 फॉर एग्जाम्पल 00। ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल वैल्यू आई है, यहाँ पे टू लगा देते हैं। तो इसमें आपके पास ये दो जीरो आए थे, तो इन जीरो को एक यहां लगा देती हूँ, एक यहां लगा देती हूँ, मतलब स्क्वायर रूट में से एक जीरो बाहर आएगा। इवन नंबर ऑफ जीरो। अब बचा क्या? 1100 और 1090, तो ये आसपास है। तो अगर इन दोनों की बात करूं तो 33 का स्क्वायर अगर आ रहा है मेरे पास 1089, तो 33.1 या 2 का स्क्वायर कुछ अराउंड इसी के आसपास आएगा। ये समझ आया? और स्क्वायर रूट में से एक जीरो हमारे पास बाहर आ रहा, तो आंसर 331 के आसपास आया। ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे, अब आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, तो आप राउंड ऑफ लेके स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अगर ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन तो आप इजीली फिर देख सकते हो, हाँ ठीक है इसके आसपास की वैल्यू आ रही है तो हमारा आ गया। और अगर वैसे भी आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो फिर आप इसका देख लो कि अब कितना फर्क रह गया आंसर में, फिर एक और पॉइंट लगा लो, 332 हो जाएगा। स्क्वायर रूट में इतने मार्क्स नहीं करते हैं लास्ट पॉइंट पे। समझ आया है सबको कैसे बताया मैंने? यस मैम। ठीक है, तो फिर कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो अभी बता दो। और किसी को कोई डाउट नहीं है अभी? नो मैम। थैंक यू एवरीवन। मैम बारिश लगी है आपके घर के पास? क्या बोल रहे निक्षे, बारिश? यस मैम। हल्की सी हुई और ज्यादा नहीं हुई यहाँ पे बारिश। अभी लगी है? अभी अभी तो नहीं लगी, यहाँ पे बड़ी जोर की लगी हुई है। वहाँ बड़ी जोर से हो रही है। चलो, ठंड हो गई होगी फिर? ठंड में होता है मैम। नहीं, यहाँ पे ठंड कम हो गई है, यहाँ पे ठीक ठाक ही है। अपना सेफ रहो, कंबल में बैठे रहो, है ना, जैसे बाकी सब भी सो गए हैं कंबल में। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। नाइट मैम। आपकी एज क्या है वैसे? मेरी एज कितनी, आप गेस करो मैम। 23 या 24। इतनी एग्जैक्ट? ठीक है मैम, तुम्हें कितनी है?
हम वही तो मैं बोल रही हूँ, इतनी एग्जैक्ट कैसे तुक्का मारा आपने। चलो बस लग गया बेटा, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।